श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सैनी आज अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के शुभारंभ पर यमुनानगर के आदबदरी पहुंचे थे। इस दौरान पूजा अर्चना करने के बाद सैनी मीडिया से रूबरू हुए। मंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां सरस्वती को धरातल पर लाने की बात को लेकर अपनी सरकार की सराहना की, वहीं अलग अलग मुद्दों पर बात करते हुए विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरस्वती को लेकर प्रदेश व जिला वासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरस्वती लुप्त हो गई है, आज वह इस धरा के ऊपर जीवंत रूप ले रही है। इसका श्रेय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाता है। आज सरस्वती उद्गम स्थल के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, मैं इसकी पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और जो सरस्वती लुप्त हो गई थी, आज वो इस धरा के ऊपर जीवंत रूप ले रही है, और इसका श्रेय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसको ऊपर अध्ययन किया, और अमेरिका की जो वैज्ञानिक एजेंसी है नासा, उसने भी ये जो चित्रों के माध्यम से बताया कि सरस्वती ये आज भी यहाँ से प्रभावित हो रही है, और उसका जो मूर्त रूप अब लिया है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उन्होंने जब से इस सरस्वती को धरातल के ऊपर प्रवाहित करने की जो बात कही है, अलग से इसके ऊपर सरस्वती बोर्ड भी वो बनाया गया है, और इसका एक बहुत बड़ा लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि एक ये रीढ़ की हड्डी का काम ये हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए ये करेगी, और उसके माध्यम से किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो इसके साथ साथ जो हमारे श्रद्धालुगण हैं जिनकी एक आस्था ये इसके साथ जुड़ी हुई है, इसके माध्यम से उनको भी जो सरस्वती नदी जो प्रभावित हो रही है, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश को मिलने वाला है।